சத்யபாமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்னை. क्या है टेरिटोरियल आर्मी? टेरिटोरियल आर्मी या प्रादेशिक सेना को रेगुलर भारतीय सेना के अलावा एक पार्ट टाइम रक्षा सेवा के तौर पर स्थापित किया गया है। टेरिटोरियल आर्मी के वॉलंटियर्स को साल में 2 महीने के लिए नियमित तौर पर मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी सेवाएं ली जा सके। साथ ही बता दें, इंडियन आर्मी पहले सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों को ही भर्ती करती थी, लेकिन वर्ष 2019 से आर्मी ने यह विकल्प महिलाओं के लिए भी खोल दिया है। इसमें भर्ती 2 तरीकों से की जाती है, एक नागरिक के रूप में और एक सैनिक के रूप में। इंडियन आर्मी के अलावा कोई अन्य विकल्प आपको इस तरह के अनुभवों का विस्तार करने की अनुमति नहीं देता है। अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, इंजीनियर हैं या फिर किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो आप अपने प्रोफेशन को बिना छोड़े भी टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं और राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ साक्षी मांडवाल और आज मैं आपको टेरिटोरियल आर्मी के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर के लिए क्या होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन और एप्लीकेशन प्रोसेस। एलिजिबिलिटी, बता दें कि इस वैकेंसी पर सिर्फ वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो। इन वैकेंसियों पर महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट होती है 18 से 42 वर्षों के बीच। क्वालिफिकेशन, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी संकाय में ग्रेजुएट होना जरूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकली और मेडिकली फिट होना भी बहुत जरूरी है। सैलरी, सैलरी कुछ इस प्रकार होती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इस पद पर चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को 3 चरणों की परीक्षा से गुजरना होता है। सबसे पहले उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा देनी होती है और इसमें सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में सफल उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट भी देना होता है। अब मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने जा रही हूँ। लिखित परीक्षा OMR शीट पर देनी होती है जिसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर में तर्क शक्ति और प्रारंभिक गणित के सवाल होते हैं, जबकि दूसरे पेपर में इंग्लिश भाषा और सामान्य अध्ययन की परख की जाती है। कुछ परीक्षा 200 नंबरों की होती है और दोनों पेपर के लिए परीक्षा की अवधि 2-2 घंटों की होती है। दोनों पेपर्स में पासिंग मार्क्स 40 होते हैं। समय समय पर सिलेबस में बदलाव होते रहते हैं, इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे करें अप्लाई, तो चलिए अब मैं आपको ये भी बताती हूँ। टेरिटोरियल ऑफिसर की पोस्ट पर आवेदन आमतौर पर ऑनलाइन ही लिए जाते हैं। आप इन वैकेंसियों पर आवेदन करने के लिए प्रादेशिक सेना के आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। समय समय पर टेरिटोरियल आर्मी होने वाले भर्तियों के लिए आवेदन करती रहती है। आप इन वैकेंसियों की जानकारी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट, रोजगार समाचार, jagranjosh.com या फिर इसके सरकारी नौकरी ऐप से ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जागरण जोश को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। Till the next time, stay safe, stay healthy. Goodbye.